फाइनली दोस्तों इंडिया बांग्लादेश दोनों सर्वर के लिए मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट कंफर्म हो चुका है। तो इस मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के टाइम पे आप लोगों को कौन कौन से न्यू बंडल्स देखने को मिलेंगे, आज के इस वीडियो में आप लोगों को सभी बंडल्स का रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। साथ ही में इंडिया बांग्लादेश दोनों सर्वर के लिए डबल डायमंड बोनस टॉप अप इवेंट भी कंफर्म हो चुका है। ये टॉप अप बोनस इवेंट आपको गेम के अंदर कब देखने को मिलेगा इसके बारे में भी इस वीडियो बताऊंगा, और भी बहुत सारे कमाल के अपडेट्स इस वीडियो पे आप लोगों को पता चलने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। इन फ्यूचर और ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में, जो दोस्तों अब तक इंडियन सर्वर के ऊपर आप लोगों को देखने को नहीं मिला। और होप दोस्तों मैं ये करता हूं कि जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा आप लोगों को इंडियन सर्वर के ऊपर फ्री मैजिक क्यूब का इवेंट देखने को मिल जाए। जब दोस्तों ये इवेंट देखने को मिलेगा तो इस इवेंट के ऊपर बेसिकली आप लोगों को 80 किल करने पड़ेंगे, जहां पे दोस्तों आप लोगों को एक फ्री का मैजिक क्यूब मिल जाएगा। और उस फ्री के मैजिक क्यूब से आप लोग किसी भी बंडल को एक्सचेंज कर सकते हैं मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के अंदर जाके। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग यहां पर अभी रिसेंट टाइम पे जो चल रहा हमारा मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट, इसमें से किसी बंडल को एक्सचेंज करना चाहोगे या फिर आप लोग OB44 अपडेट के मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट का वेट करोगे। और साथ ही में दोस्तों बहुत जल्दी गेम के अंदर आप लोगों को एक पोस्ट देखने को मिलने वाला है मेंबरशिप से रिलेटेड, जिसमें गैना फीफर ने सीधा सीधा उन प्लेयर्स को टारगेट किया जो लोग यहाँ पर OB44 अपडेट से पहले किसी भी मेंबरशिप को करेंगे। दोस्तों चाहे आप लोग यहाँ पर वीकली करो, मंथली करो या फिर सुपर VIP करो, क्योंकि OB44 अपडेट के बाद आप लोगों को मेंबरशिप का पूरा एक न्यू मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाके आप लोग उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के अंदर गैना फीफर ने सीधा क्लियरली ये बोल रखा है, अगर आप लोग OB44 अपडेट से पहले किसी भी मेंबरशिप को करते हो तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि OB44 अपडेट के बाद ये मैकेनिज्म तो चेंज होगा पर आप लोगों के जो भी डायमंड बनते हैं वो सभी तुम लोगों को मेल बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, चाहे वो वीकली मेंबरशिप हो या फिर मंथली मेंबरशिप हो या फिर वीकली प्लस मंथली और सुपर VIP ही क्यों ना हो। तो आप लोग उस बात की टेंशन मत लेना कि भाई तुम लोगों के डायमंड चले गए या फिर बर्बाद हो गए या फिर गैना फीफर ने स्कैम किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोगों के जितने भी डायमंड बनेंगे वो सब तुम लोगों को मेल बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो कमेंट करके बताना कि तुम लोगों ने क्या कोई मेंबरशिप करके रखी हुई है या फिर नहीं, पर OB44 अपडेट से पहले होंगी ये सब चीजें। OB44 अपडेट के बाद आप लोगों को न्यू मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, जो भाई आप लोगों को अपडेट के बाद ही पता चल पाएगा कि क्लियरली क्या गैना फीफर ने इन चीजों में चेंज करे हैं, ठीक है। और साथ ही में OB44 अपडेट के बाद गेम से आप लोगों के लिए जो हमारी गन क्रेट्स होती है ना 25 डायमंड वाली, उन क्रेट्स को भी गैना फीफर पूरी तरीके से रिमूव करने वाला है। जी हां दोस्तों, अभी आप लोग यहां पर जब गन वाले सेक्शन में जाते हैं परचेज करने के लिए तो वहां पे आप लोगों को 25 डायमंड की क्रेट्स देखने को मिलती है। तो गैना फीफर इन क्रेट्स को अब पूरी तरीके से रिमूव करेगा और मुझे लगता है कि यहां पे सिर्फ आप लोगों को लेजेंडरी गन स्किन्स देखने को मिलने वाली है। तो भाई आप लोग अगर इनको परचेज करना चाहते तो अभी से परचेज कर लीजिए और अपनी मनपसंद गन को निकाल लीजिए, क्योंकि 17 अप्रैल के बाद गेम के अंदर ये सभी क्रेट्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो कमेंट करके बताना आप लोग लेजेंडरी गन्स को परचेज करते हो या फिर आप लोग थीन गन से ही अपना गुजारा चलाते हो। फाइनली दोस्तों जिस टॉप अप इवेंट का तुम लोगों को इतने टाइम से वेट था वो अब इंडिया बांग्लादेश दोनों सर्वर के ऊपर आने वाला है, जो है हमारा डबल डायमंड बोनस टॉप अप इवेंट, जहां पे दोस्तों आप लोगों को 800 रुपए का टॉप अप करना पड़ेगा। आप लोगों को 1000 डायमंड तो मिल जाएंगे पर उसी के साथ में एक्स्ट्रा आप लोगों को 1000 और डायमंड मिलने वाले हैं। इस टॉप अप इवेंट की जो डिमांड थी पिछले काफी टाइम से हमारी ऑडियंस कर रही थी और ऑडियंस को यार ये टॉप अप इवेंट बहुत ज्यादा पसंद आता, तो ये टॉप अप इवेंट तुम लोगों को गेम के अंदर 12 अप्रैल के दिन देखने को मिल जाएगा, इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर तीनों ही सर्वर के ऊपर। तो भाई अपने अकाउंट के अंदर अभी से ही पैसों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों को इस टॉप अप इवेंट को कंप्लीट करने के लिए 800 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, तभी जाके आप लोगों को यहाँ पे कुल मिलाकर 2000 डायमंड मिलने वाले हैं। तो कमेंट करके बताना क्या तुम लोग इस टॉप अप इवेंट को कंप्लीट करोगे या फिर नहीं करोगे। और फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में। तो OB44 अपडेट के बाद आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट देखने को मिलेगा, ये तो मैं आप लोगों को पिछले एक महीने से बताता आ रहा हूँ, पर मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के टाइम पे आप लोगों को कौन कौन से न्यू बंडल्स देखने को मिलेंगे वो दोस्तों आज कंफर्म हो चुके हैं। तो कौन कौन से आप लोगों को न्यू बंडल्स देखने को मिलेंगे अब आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ सभी बंडल्स का रिव्यू। तो आप लोग ध्यान से देखना और कौन सा बंडल आप लोग एक्सचेंज करना चाहते हो अपने मैजिक क्यूब से आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना इन सभी बंडल्स की रिव्यू को देखने के बाद। दोस्तों इस मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के टाइम पे आप लोगों को मिला के 10 न्यू बंडल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को सिल्वर गॉडनेस बंडल देखने को मिलेगा, साथ ही में सिल्वर थ्रेड बंडल देखने को मिलेगा, नाइट स्लेयर टेडी बंडल मिलने वाला है, लॉयनेस बैंडिट बंडल देखने को मिलेगा, एवेंजर फुल लेदर बंडल देखने को मिलेगा, कर्लेट ग्रूम बंडल होगा, रूबी ब्राइट बंडल होगा, राउडी सीलर बंडल होगा, साथ ही में गोटिंग टेडी बंडल होने वाला है और सिल्वर एगल बंडल भी होने वाला है। ये सभी बंडल्स आप लोगों को 10 देखने को मिलेंगे न्यू नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के टाइम पर, और इन 10 में से भी दोस्तों
दो ही ऐसे बंडल्स होने वाले हैं जो आप लोगों को न्यू देखने को मिलेंगे। बाकी के सभी बंडल्स ऑलरेडी ग्रीन आईपी पर कई बार ऐड कर चुका है मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के टाइम पर। और इतना नहीं, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर इस मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट में से बंडल्स को रिमूव किया जाएगा, वो सभी ये बंडल्स होने वाले जो रिमूव होने वाले OB44 अपडेट के बाद मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के अंदर से। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो गैना फीवर यहाँ पर आप लोगों को 10 न्यू बंडल्स तो दे रहा है, पर उन 10 में से भी 8 बंडल्स ऐसे दे रहा है जो एकदम घिसे पिटे बंडल है और ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के टाइम पे दिए जा चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ 2 ही बंडल्स आप लोगों को न्यू देखने को मिलेंगे जो पहले कभी ऐड नहीं किए गए मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के टाइम पर। तो आप लोग इन दोनों बंडल्स को एक्सचेंज कर सकते हो अपने मैजिक क्यूब से, जो आप लोग को फ्री का मैजिक क्यूब मिलेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या आप लोग जो अभी रिसेंट में चल रहा है मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट, इसमें से किसी बंडल को निकालना चाहोगे या फिर आप लोग OB44 अपडेट का वेट करोगे नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट में से किसी बंडल को निकालने का, कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट कैसा लगा OB44 अपडेट का, ये भी तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे को तो ठीक ठाक लगा मेरे हिसाब से, पर अभी जो बंडल्स चल रहे हैं ना, इसमें कुछ बंडल्स ऐसे हैं जो मतलब OB44 अपडेट के बाद हट जाएंगे। तो हो सकता है आप लोग उन बंडल्स को एक्सचेंज कर लो, क्योंकि यार फिर बाद में पता नहीं वो बंडल दिए जाएंगे या फिर नहीं, ठीक है, उसका मुझे आईडिया नहीं है। पर भाई अभी तो आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो उन बंडल्स को, क्योंकि अभी इनक्यूबेटर के बंडल आप लोग को देखने को मिल रहे हैं मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के अंदर। और साथ ही में दोस्तों कल गेम के अंदर तुम लोगों को एक एंजेलिक रॉयल भी देखने को मिलने वाला। इस एंजेलिक रॉयल के ऊपर आप लोगों को पूमा थीम पर भी जितने भी आइटम्स हैं वो सभी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को पूमा एंजेलिक की शर्ट देखने को मिल जाएगी, साथ ही में इसका पैंट देखने को मिल जाएगा, इसके शूज देखने को मिल जाएंगे। तीनों ही आइटम्स काफी अच्छे होने वाले हैं। साथ ही में आप लोगों को व्हाइट एंजेलिक पैंट मेल और फीमेल की दोनों रिटर्न में देखने को मिल जाएंगे और इसके शूज भी रिटर्न में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग इसके ऊपर से किसी आइटम को निकालना चाहते हो तो भाई अच्छे खासे डायमंड्स को अपने अकाउंट में रखना, तभी जाके आप लोग इन आइटम्स को निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों बहुत जल्दी गेम के अंदर आप लोगों को टाइटन स्कार भी रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि टाइटन स्कार के साथ में आप लोगों को न्यू रमदान की एक स्कार का स्किन भी देखने को मिलेगा। ये दोनों ही आप लोगों को मेन प्राइज के रूप में देखने को मिलेगी स्पिन करने के लिए। डायरेक्ट आप लोग इन्हें स्पिन से निकाल सकते हैं, इन्हें आप लोग एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। बाकी गन स्किन्स आप लोग को एक्सचेंज के तौर पर देखने को मिल जाएगी। जितनी भी टाइटन स्कार की इनक्यूबेटर गन स्किन्स है वो सभी आप लोग को एक्सचेंज के लिए देखने को मिल जाएगी, सिवाय टाइटेनियम स्कार को छोड़ के, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग इस टाइटन स्कार को निकालोगे या फिर आप लोग न्यू वाली रमदान की स्किन को निकालोगे। ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आई थिंक 13 या फिर 14 अप्रैल के आसपास, ठीक है। तो होप आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सभी अपडेट पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इन फ्यूचर और ऐसे अपडेट जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का ऑल पे सेट कर लेना। और दोस्तों अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई कमेंट चल रहा है फिर अपडेट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है यार, जाके अपने कमेंट को लिखना ना भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे कमेंट को जरूर पिक करने वाला हूं। और दोस्तों अगर तुम लोग जानना चाहते हो न्यू एवोल्यूशन पास की फुल डिटेल्स के बारे में तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लो। और अगर तुम लोग जानना चाहते हो OB44 अपडेट के ऊपर होने वाले सभी के सभी चेंजेस के बारे में तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। या फिर किसी और अपडेट को जानना चाहते हो तो भाई मेरी प्लेलिस्ट में जाके अपने उस अपडेट को खोज सकते हो और वीडियो को देख सकते हो। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।